Hey guys, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं वांडा के फ्यूचर के बारे में। क्यों उसका फ्यूचर एमसीयू के अंदर क्या है, क्योंकि सच कहूं तो आज अचानक से वांडा की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा उसके ऊपर वीडियो बना ही देता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो पे आते हैं। सो सबसे पहले तो जानते हैं कि वांडा जिंदा है या नहीं, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हमने देखा था कि उसके ऊपर यहाँ पे डेब्रीज गिर रहे थे, तो वो बची है या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता। बस दूर से हमें यहाँ एक रेड कलर का ब्लास्ट होते हुए दिखा था। बट चिंता की बात नहीं है बॉयज, क्योंकि इससे पहले भी वांडा मौत को छू कर टक से वापस आ चुकी है। जहाँ बचपन में उसने प्रोबेबिलिटी हेक्स का यूज करके इस बॉम्ब को फटने से रोका था, वही माइंडस्टोन के सामने जहाँ बाकी सोकोवियंस मर गए थे, वहां पर वांडा सिर्फ बेहोश हुई थी। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ माइंडस्टोन ने उसको पावर दिया था, बट ड्यूड वांडा वो बंदी है जिसने माइंडस्टोन एंड वाइब्रेनियम को क्रिएट किया था अपने हेक्स के अंदर। प्लस जब वो बचपन में प्रोबेबिलिटी हेक्स लगाकर अपने साथ अपने भाई को बचाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर उसने प्रोबेबिलिटी हेक्स लगाया हो, जहाँ उसने इस बार प्रोबेबिलिटी में इस बात पर स्ट्रेस डाला कि वो एंड उसका भाई इस एक्सपेरिमेंट में सरवाइव कर जाए एंड उन दोनों को पावर मिले, जिसके बाद से वही हुआ जहाँ इस एक्सपेरिमेंट के बाद से वांडा की जो केओस मैजिक है वो बाहरी तौर पे मैनिफेस्ट होने लगे, जिस पर वांडा काबू पाने की कोशिश करने लगी, वहीं पियत्रो को तेज दौड़ने की पावर मिल गई। आप ही यहाँ पर एक बार सोच के देखो कि वांडा का यहाँ बचना समझ में आता है, क्योंकि उसके पास केओस मैजिक था, लेकिन पियत्रो का बचना प्लस उसको पावर मिलना ये किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं होता है। वैसे भी वांडा बेहोश होने से पहले स्कारलेट विच का रूप देखती है, जो कि मेरी बात को और अच्छे से सपोर्ट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि वांडा को यहाँ जो स्कारलेट विच बचानी आई वो दूसरी यूनिवर्स की हो या फ्यूचर सेल्फ हो, जो कि दोबारा से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसको बचाने आई होगी इस सीन के अंदर। मैं यहाँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि माउंट वांडागोर के माउंटेन्स में स्कारलेट विच की मूर्ति के अलावा बिली की भी मूर्ति थी, जो कि सदियों से वहां मौजूद थी। मतलब कि वांडा एंड बिली का पैदा होने से पहले ही वो वहां मौजूद थी, और ये बात तय था कि फ्यूचर में जाके ये दोनों मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी बिली का कोई ठिकाना नहीं एंड वांडा के बारे में किसी को पता भी नहीं। यहाँ एक फन फैक्ट बता दूं कि कॉमिक्स में बिली डेमियर्ज का अवतार है एंड उसने अमेरिका चेविस की दुनिया को बनाया है, इसीलिए कॉमिक्स के अंदर आप अमेरिका चेविस की दुनिया में बिली की मूर्ति देख सकते हैं। एनीवेज द पॉइंट इज कि वांडा एंड बिली का एक होना तय है, मतलब कि ये माँ बेटे फ्यूचर में जाके मिलेंगे, और अगर ये फ्यूचर में जाके मिलेंगे तो उसका होना तय है। तो जो फ्यूचर वाली वांडा है वो चाहेगी कि पास्ट में वही सब हो जिसके वजह से ये मोमेंट आए, मतलब कि बिली एंड टॉमी और वांडा एक साथ रहे। आई नो ये बहुत वाइल्ड हो रहा है, बट थोड़ी देर मेरी बात को और सुन लो, आपको मजा आने वाला है, एज ये डायरेक्टली कनेक्ट करेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के एंडिंग से। अब देखो भाई, ये बात तो तय है कि सीक्रेट वॉर्स के एंड में सब कुछ रिसेट होगा, मतलब कि जो भी कांड कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में होंगे उसको ठीक किया जाएगा। पुराने वाले सीक्रेट वॉर्स की कहानी में बियॉन्डर की पावर एंड नए वाले सीक्रेट वॉर्स की कहानी में मॉलिक्यूल मैन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, एंड ये दोनों ही कैरेक्टर हमें एमसीयू के अंदर दिखने को नहीं मिले हैं। एंड वांडा से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है मार्वल के पास यूनिवर्स को रिसेट करने के लिए। हम सब जानते हैं कि मल्टीवर्सल सागा कैंग को लेकर है, तो इसमें बियॉन्डर आने से रहा, क्योंकि वो ऐसे भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू के लिए। वहीं मॉलिक्यूल मैन का भी इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है एमसीयू में, तो ऐसे में वांडा जिसने अपना लोहा मनवा रखा है पूरे एमसीयू के अंदर, साथ ही साथ कई सारी गलतियां की हैं जिसको ठीक करने के लिए वो मल्टीवर्सल लेवल पे रियलिटी मैनिपुलेट करके सब कुछ पहले जैसा कर दे, तो शायद तक कुछ हद तक भरपाई तो हो ही जाएगी। इसके लिए हो सकता है कि वो अल्टरनेट यूनिवर्स से वांडर्स या एवेंजर्स में से कोई उसकी मदद करे एंड में, जहां वांडा अपने पावर्स को खो दे या फिर कमजोर हो जाए, ताकि एमसीयू में वो बनी रही। बट बेस्ट चीज जो इससे होगा वो ये होगा कि वांडा सब कुछ पहले जैसा कर रही होगी, तो वो अपने बच्चों को भी मेन यूनिवर्स का पार्ट बना देगी, जो कि उसके लिए इनाम होगा सब कुछ ठीक करने का। ठीक वैसे ही जैसे मॉलिक्यूल मैन को माइल्स मोरेलिस ने एक बर्गर दे दिया था, तो जब मॉलिक्यूल मैन सब कुछ पहले जैसा कर रहा था तो उसने माइल्स को मेन यूनिवर्स का पार्ट बनाते हुए उसकी मरी हुई मॉम को भी जिंदा कर दिया था मेन यूनिवर्स के अंदर, तो उसी तरह वांडा भी यहाँ पर अपने बच्चों को एग्जिस्टेंस में ला सकती है सब कुछ ठीक करने वक्त, जिसे माउंट वांडागोर की दीवारों में बना बिली एंड स्कारलेट विच की मिलने की जो प्रोफेसी है, मतलब कि माँ बेटे की मिलने की जो प्रोफेसी है, वो भी सॉर्ट ऑफ सही हो जाएगी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि वांडा फ्यूचर से अपने आप को कई बार बचाने के लिए आती है पास्ट में, ताकि
वैसा ही हो जैसा होना है, क्योंकि फ्यूचर में तो उसको सब कुछ रिसेट करना है। डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज स्टोरीलाइन में जब पास्ट का डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फ्यूचर में होने वाले मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो वांडा फ्यूचर से पास्ट में आकर खुद को बचा ही सकती है इस लेवल तक, ताकि वो बची रहे, क्योंकि वही वो कड़ी है जो कि आगे जाके मार्वल यूनिवर्स को बचाएगी। प्लस हो सकता है कि इसी दरमियान एक्समैन भी मेन यूनिवर्स का हिस्सा बन जाए। वांडा से जुड़े हुए और भी कई सारे थ्योरीज हैं और कहानियां हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, बट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा ये जो डिस्कशन है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, जिसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जहां पर अगर आपका कमेंट अच्छा लगा तो उसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।